बीएससी मंथन में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर सेकेंड की यूनिट नंबर थर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोमोलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? ये बायोमोलिक्यूल होते हैं, दैट इज जे बड़ो। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा जी? बाई मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं जिनमें सामान्यतः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 2:1। कार्बोहाइड्रेट जैसे कैसे बना हुआ? कार्बन प्लस हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट, ठीक है, कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CXH2OY। X और Y के मान समान भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जनरली X और Y की जो वैल्यू होती है XY=1, 2, 3, 4, ……, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल होते हैं विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम इज 2:1 होता है, ठीक है। और देखिएगा इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? तो टू फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स में टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो क्रियात्मक समूह? टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। एक तो होता है कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनिल समूह, दूसरा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक तो होता है कार्बोनाइल ग्रुप, एक होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। टू फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज डबल बॉन्ड ओ और दैट इज OH। देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, लोगों को पता होगा। एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक होता है कीटोनिक ग्रुप। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक होता है आपके कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबल होता है C=OH। कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो ये इसका सामान्यतः हमने बता दिया, टू फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है। कार्बोनिल ग्रुप टू टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। इसे जनरल इंट्रोडक्शन। और देखिएगा कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल और ये ग्रुप होते हैं, तो हम इसको और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। अब डिपेंड करता है कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको भी दो तरह से व्यक्त करते हैं। देखिए कैसे पॉली हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड कैसे व्यक्त करते हैं, दो तरीके से। इफ ओनली फॉर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, एल्डिहाइड और कौन हो? एक तो एल्डिहाइड हो CHO प्लस OH, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन में नाम क्या होगा? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड्स, ठीक है। और अगर कीटोनिक ग्रुप के साथ साथ ओएच ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स, ठीक है। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे एग्जांपल लिखिएगा इसका, गिल्सरे एल्डिहाइड, गिल्सरे एल्डिहाइड, थ्री कार्बन शुगर्स होती है, थ्री कार्बन शुगर। और जैसे सामान्यतः आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दैट इज इधर आपने नाम सुना होगा फ्रेक्टोज, फ्रेक्टोज। देखो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज दोनों का ही फॉर्मूला जो होता है बेटा जो कॉमन होता है, इसका फॉर्मूला भी कितना होता है C6H12O6, इसका फॉर्मूला भी कितना होता है C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला जो होता है वह सामान्यतः क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और फ्रेक्टोज में कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोनी, कीटोनी ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रेक्टोज में। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट, ग्लूकोज में कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा जी, एल्डिहाइड, ठीक है। ओएच तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, इधर भी और उधर भी दोनों में ओएच प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक कंपाउंड और दिस, ये आपके जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रेक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके पेपर में बीएससी थर्ड ईयर के पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दासी इंस्टीट्यूट के पेपर में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिएगा बेटा जी क्या वर्गीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आर क्लास शुगर, शुगर शर्करा, शुगर, और दूसरा इनका वर्गीकरण है नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर, और इसको दूसरा नाम बोला जाता है पॉलीसैकेराइड्स, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। देखिएगा पहले प्रॉपर्टीज लिखनी है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं ये शुगर्स, और ये कैसे होते हैं नॉन स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, नॉन स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे नहीं होते, ये मीठे होते हैं शुगर। दूसरा होता है सॉल्युबल इन वॉटर, सॉल्युबल इन वॉटर, पानी में घुलनशील होती है, चीनी देखा करो घुल जाती है पानी में, दिस इज इन सॉल्युबल इन वॉटर, इन सॉल्युबल इन वॉटर। चीनी की स्ट्रक्चर कैसे होती है अगर आपसे पूछा जाए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, कि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है इनकी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, ये कैसे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। देखिएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इस प्रकार से इनकी ये प्रॉपर्टीज है। स्वीट इन टेस्ट, शुग मीठे होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, क्रिस्टलीय संरचना होती है इनकी, नॉन स्वीट इन टेस्ट, मीठे नहीं होते हैं, वॉटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलीय संरचना होती है। अब देखो किस बेसिस पर इसको आगे डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर,
टू ऑप्टेन टू ऑप्टेन सैकराइड यूनिट्स टू ऑप्टेन सैकराइड यूनिट बाय हाइड्रोलाइसिस. जल अपघटन करेंगे. जल अपघटन करने के पश्चात प्राप्त होने वाली सैकराइड मोनोसैकराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है. ठीक है बेटा जी, जल अपघटन करेंगे और जल अपघटन करने के पश्चात कितनी कितनी इकाइयां प्राप्त होती है उन इकाइयों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है. उन इकाइयों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है. देखिएगा, जल अपघटन के आधार पर प्राप्त होने वाली मोनोसैकराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है. देखिएगा, पहला क्लासिफिकेशन है इसके अंदर फर्स्ट इज मोनोसैकराइड्स. कौन सा होता है? मोनोसैकराइड्स अर्थात ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका आगे जल अपघटन नहीं होता है. जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है और उन्हें कहा जाता है मोनोसैकराइड्स. ठीक है, मोनोसैकराइड जिनका आगे जल अपघटन नहीं होता. इसका एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज मैनोज दीज आर. और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिनका आगे जल अपघटन नहीं होता है उन इकाइयों को क्या कहा जाता है? मोनोसैकराइड्स. ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज मैनोज दीज आर द एग्जांपल. देखिएगा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? ओलिगोसैकराइड्स. दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स. ओलिगोसैकराइड्स का मतलब होता है जिनके जल अपघटन करने से दो या दो से अधिक जिनका जल अपघटन किया जाए जिन कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करने पर दो से अधिक का मतलब है दो या दो से अधिक अर्थात दस तक दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त हो. ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है ओलिगोसैकराइड्स. क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकराइड्स. देखिएगा, ओलिगोसैकराइड्स के एग्जाम्पल कितनी इकाइयां प्राप्त होगी बेटा जी? दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड्स यूनिट प्राप्त होती है. दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड्स इकाइयां प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है ओलिगोसैकराइड्स. देखिएगा बेटा जी, ओलिगो सैकराइड्स सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसका? ओलिगोसैकराइड्स. ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स दो प्रकार के हैं. पहला है डाइसैकराइड्स. दूसरा है हमारा डाइसैकराइड्स. तीसरा है हमारा ट्राइसैकराइड्स. That is, डाइसैकराइड्स किसे कहेंगे जिनके हाइड्रोलाइसिस करने से कितनी इकाइयां मिलेंगी बेटा जी? हाइड्रोलाइसिस करने पर two units of monosaccharides are obtained then we can say डाइसैकराइड्स. इसको क्या कहेंगे? डाइसैकराइड्स कहेंगे. डाइसैकराइड्स के देखिएगा
एक तो होता है सुक्रोज, क्या होता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज लैक्टोज एंड माल्टोज, ठीक है बेटा जी। सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है। सुक्रोज इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको और क्या कहते हैं अपन, कैन शुगर कहते हैं, कैन शुगर, क्या कहते हैं कैन शुगर। लैक्टोज को क्या कहा जाता है, मिल्क शुगर, तो कहते हैं मिल्क शुगर। और माल्टोज को कहा जाता है माल्ट शुगर, क्या कहते हैं माल्ट शुगर, माल्ट शुगर कहते हैं। सुक्रोज का क्या मतलब है, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कराया, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया, तो इससे दो मोनोसैकेराइड कौन सी प्राप्त होती है बेटा जी, एक तो होती है ग्लूकोज, एक कौन सी प्राप्त होती है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज टू मोनोसैकेराइड्स इकाइयां क्या होती है वो प्राप्त होती है। लैक्टोज देखिएगा, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्या मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दो इकाइयां प्राप्त होगी। माल्टोज का करेंगे तो इससे कौन सी यूनिट प्राप्त होगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। माल्टोज का जब भी किया जाता है हाइड्रोलाइसिस तो दो इकाइयां प्राप्त होती है, ग्लूकोज इससे मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे मिलेगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज को कैन शुगर कहते हैं, गन्ना शक्कर। लैक्टोज से कहते हैं मिल्क शुगर, दूध में पाई जाती है। माल्टोज से कहते हैं माल्ट शुगर, फ्रूट शुगर, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस कराने में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इकाइयां प्राप्त होती है। इन सभी का कॉमन फॉर्मूला, इन सभी का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। ट्राइसैकेराइड किसे कहेंगे, ट्राइसैकेराइड्स जिनके हाइड्रोलाइसिस करने से थ्री मोनोसैकेराइड्स इकाइयां प्राप्त होती है। हाइड्रोलाइसिस किया आपने, हाइड्रोलाइसिस करने पर थ्री मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर ऑब्टेन, थ्री मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर ऑब्टेन, तो उसे कहेंगे अपन ट्राइसैकेराइड। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल देखिएगा, इसका एग्जांपल है रेफिनोज, रेफिनोज एग्जांपल C18H32O16, इसका फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है। इधर चलिएगा, तो ये हो गए डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, ये आपको बताना चाहिए किससे क्या मिलकर बना हुआ है। रेफिनोज C18H32O16 ट्राइसैकेराइड्स का एग्जांपल है, नॉन शुगर्स या पॉलीसैकेराइड्स किसे कहते हैं, एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करने से 10 या 10 से अधिक, जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स इकाइयां प्राप्त होती है, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस किया आप लोगों ने, हाइड्रोलाइसिस करने पर 10 और मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, टेन और मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर ऑब्टेन्ड, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है बेटा जी। नॉन शुगर्स होते हैं, इसका एग्जांपल है जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, स्टार्च, स्टार्च सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज देखिएगा, दोनों का फॉर्मूला जो होता है C6H10O5N होता है, C6H10O5N, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च एंड सेलुलोज। थैंक यू।